हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वयं रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। 11 अप्रैल को नवरात्रि का तीसरा दिन है। 9 दिनों की दुर्गा पूजा में नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। देवी दुर्गा जी की तीसरी स्वयं रूप का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चना किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वयं रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा का ध्यान धारण करने से भक्तों को सांत्वना, सुख और शांति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। पूजा विधि। इस दिन माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के सुगंधित फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, चंदन आदि अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयां या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पित करें और प्रार्थना करते हुए ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती करें। माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महासासुर था, जिनका देवताओं के भयंकर युद्ध चल रहा था। महासासुर देव राज इंद्र सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उनकी इस इच्छा को जानकर सभी देवी देवता परेशान हो गए और इस समय समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की विनती को सुनने के बाद तीनों देव बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवृत हुए, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। भगवान सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुँची। माँ का यह अद्भुत रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर पूरे वेग से हमला किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार माँ ने देवी देवताओं की रक्षा की। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।